नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक करंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो नोटिफिकेशन को जानने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंच सके, आप वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, कुछ पिछले 2-4 दिनों से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर है, वो ट्रेंड में है। और कहा जा रहा है उस सर्कुलर के बारे में कि वो रेलवे बोर्ड का है और उसमें जेईई, सीएमएस और कुछ वेरियस पदों पर ऑनलाइन मांग के बारे में विज्ञप्ति जारी की है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो काफ़ी ढूंढने से नहीं मिला, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये पहुंच चुका है हमारे पास। और चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, क्या है, उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जिनका प्रधान कार्यालय जयपुर है, उन्होंने पत्र संख्या 742 RNT OIRMS JECMS से DMS ग्रुप सी 2017 दिनांक 12/12/2018 यानी 12 दिसंबर 2018 को ये पत्र इशू हुआ था। क्या कह रहे हैं ये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक कार्यालय अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। विषय है दोस्तों, सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत JECMA DMS ग्रुप सी के पदों के लिए ऑनलाइन मांग पत्र के क्रम में। तो वो जो एक प्रपत्र जो वायरल हो रहा था वो बिल्कुल सही निकला, यानी हम इसको प्रूव्ड मान सकते हैं, ये प्रूव्ड है यानी ऑथेंटिकेटेड आपका प्रपत्र है, ऑथेंटिकेटेड है ये, यानी ये वो न्यूज़ बिल्कुल सही थी और हम आपके लिए वही बिल्कुल सच्ची खबर लेकर आए हैं। तो क्या है, रेलवे का पत्र संख्या 2017 ERB 25/19 डेटेड 12/12/2018 रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12/12/2018 के अनुसार निर्धारित शेड्यूल की अनुपालना करते हुए JECMA DMS के मांग पत्र ऑनलाइन भेजा जाना सुनिश्चित करें, जिससे मांग पत्रों को अग्रेसित किया जा सके। तो आपकी सीधी सीधी JECMA DMS के यानी ऑनलाइन उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है और आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसे अति आवश्यक समझें। नीचे लिखा है जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक हीना अरोड़ा। आगे पढ़ लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, वो आपको यहाँ पत्र की संख्या और दिनांक दे रखी है और इन इन पर्सन को ये आगे भेजा गया है, यानी मुंबई, कोलकाता, हाजीपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर, मालीगांव, जयपुर, चेन्नई, सिकंदराबाद, तो जितने बिलासपुर, हुबली, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, लखनऊ, चितरंजन, वाराणसी, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला, बरेली और बेंगलोर। तो इन सभी में ये कहा गया है जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ JECMA एंड DMS, यहाँ पर आपको ये सीधा दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट है इनका, इन्होंने JECMA और DMS इन तीन पदों के लिए भर्ती के लिए नोटिस निकाला है। बोर्ड हैज डिसाइडेड द वैकेंसी ऑलरेडी असेस्ड बाय द रेलवे, रेलवे ने पहले इसकी जरूरत बताई थी तो उसको बोर्ड ने डिसाइडेड किया है एज ऑन 1/1/2018 में जो असेस की थी एंड एंटिसिपेटेड अप टू 31/12/2020 यानी 2020 तक इनको भर्ती करना था, ये असेसमेंट पहले लगा रखी थी। फॉर टेक्निकल सुपरवाइजर कैटेगरी शुड बी कंसीडर फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, यानी ये सीधी ओपन मार्केट से ली जाएगी यानी भर्ती के थ्रू, आपसे एग्जाम लेकर कोई बिना प्रमोशन के। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट एन इंटरिम मेजर द ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन SSE मे बी डिसकंटिन्यूड एंड द वैकेंसीज ऑफ SSE मे बी एडेड टू दोज ऑफ JEE फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड वर इशूड वाइड लेटर सो एंड सो। तो जो अंतरिम उनकी जो आंतरिक प्रमोशन की प्रक्रिया थी, उनकी जो भर्तियाँ थी वो भी इसमें ऐड कर ली गई हैं, तो एक अच्छी खबर है, इससे आपकी वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन व्यू ऑफ अबाउट डायरेक्टिव्स, नो रिक्रूटमेंट इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द पोस्ट ऑफ SSE, CDMS एंड CMS कैटेगरी। तो ऊपर जो लिखा है इससे पता चलता है कि SSE, CDMS और CMS की कैटेगरी के लिए अब कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अकॉर्डिंगली रेलवे आर रिक्वायर्ड टू एड द वैकेंसीज ऑफ SSE, CDMS एंड CMS ऑलरेडी असेस्ड एज ऑन 1/1/2018। तो 1/1/2018 को रेलवे ने असेस्ड कर ली थी एंड एंटिसिपेटेड अप टू 31/12/2020 तक टू दैट JEE, DMS एंड CMA वैकेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिट। तो इन यूनिट्स में इनकी भर्ती की जाएगी। इन केस वैकेंसी हैज बीन असेस्ड ओनली फॉर ए लेवल 7 पोस्ट इन ए यूनिट, देन द रिक्रूटमेंट इंटेंडेड फॉर द वैकेंसी मे बी मेड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल 6 पोस्ट, लेवल 6 तक। फिर है रेलवे वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एज अप्रूव्ड बाय फुल बोर्ड फॉर द above category in level 6 and level 7 are attached at the next one, the railway are required to furnish the intent as per the vacancies advised। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पर देर की है। जी हाँ, ये इन्होंने कहा है कि द शेड्यूल ऑफ क्रिएटिंग द इंटेंट फॉर लेवल 6 पोस्ट ऑफ JEE, DMS, CMA इन द OIRMS इज एज बिलो। तो इंटेंडिंग यूनिट CPO और RRB, क्रिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंटेंडिंग, ये इनका चलेगा 13/12 से
16/12 अप्रूवल एंड क्रिएशन ऑफ सीपीयू इंटेंट ऑन आरआरबी 17/12 से 19/12 और आरआरबी अप्रूवल फॉर सीपीयू इंटेंट्स बाई आरआरबी वो 20 से और 20/12 तक की है। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन ऑन क्रिएटिंग द रिक्रूटमेंट इंटेंट्स फॉर जेई CMA DMS in the OIRMS portal, the following official of RRB Bangalore may contact it. यानी इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द नोटिस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जेई DMS CMA इज बीइंग पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 दिसंबर 2018। यानी कि 29 दिसंबर 2018 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसकी न्यूज है वो आ जाएगी। देयर फॉर टाइम लाइन्स इंडिकेटेड अबव आर रिक्वायर्ड एज फॉलोड स्क्रपलसली, तो इसको भी पूरा किया जाना है। नीचे इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ERRB अंगराज मोहन रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, इस बार रेलवे में बहुत ही शानदार तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है ALB और ग्रुप डी के तो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए गए हैं और अभी आगे उनका रिज़ल्ट भी आना है 20 तारीख को, ALP का रिवाइज रिज़ल्ट। और जैसे ये ख़त्म होता है और कोई भी हमारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे किसी कारणवश रह जाते हैं, तो उनके लिए एक और मौका उत्तर पश्चिमी रेलवे लेकर आया है। तो वो जो सर्कुलर सर्कुलेटेड था वो बिल्कुल सही निकला और रेलवे में एक और बड़ी भर्ती। तो तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से अग्रणी शुभकामनाएं। आप लगातार उसको तैयारी अपनी जारी रखें क्योंकि एक और बड़ी विज्ञप्ति रेलवे की तरफ से आने वाली है 29 दिसंबर को। तो बने रहें हमारे साथ, जैसे 29 दिसंबर को ये अपलोड होती है मैं आपको फुल डिटेल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।